नमस्कार, मैं हूं मेहर। खबरें अब तक में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। सीएम के जनता दरबार में पहुंचे फरियादी, रखी अपनी समस्याएं। अनुदेशकों ने सीएम के जनता दरबार में लगाया नारा और वादा निभाने की लगाई गुहार। शिक्षा प्रेरकों ने निकाला केंद्रीय और प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों का प्रतीकात्मक शव यात्रा, किया दहन। प्रेम संबंध में हुई हत्या का देवरिया पुलिस ने किया खुलासा, आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। अंबेडकर शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल विद्यालय के ध्वस्तीकरण की जांच की उठी मांग। और 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को मुख्यमंत्री ने लहराया, पूर्वांचल की जनता को दी देश प्रेम की सौगात। सीएम ने कहा योग लोक कल्याण का माध्यम है। अब खबरें विस्तार से। साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा प्रेरक बकाए की मांग को लेकर तीसरे दिन भी गोरखपुर के नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आंदोलनरत रहे। आज शिक्षा प्रेरकों ने आंदोलन को तेज करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के मुख्य द्वार के समक्ष दहन किया। शिक्षा प्रेरकों ने बीते दो दिनों से अपनी बहाली की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया, जो आज भी जारी है। आंदोलन के दौरान शिक्षा प्रेरकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाला। कचहरी चौराहा भ्रमण करते हुए पुनः नगर निगम के मुख्य द्वार पर पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की, साथ ही प्रतीकात्मक शव को दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रेरक संघ के जिलाध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा प्रेरकों की संविदा खत्म कर दी है और 40 माह का भुगतान भी नहीं दिया गया है। जब प्रशासन हमारा सुधी नहीं ले रहा है, हमारी मांग थी कि मुख्यमंत्री से वार्ता कराई जाए प्रेरक संघ के तमाम समस्याओं के समाधान के लिए। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराने के लिए माननीय DM साहब से अनुरोध किया था और वार्ता नहीं होने के क्रम में आज मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पुतला जला करके शव यात्रा निकाल करके हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अगर इसके बावजूद भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं कराई जाती है, प्रेरकों की संविदा सम्मानजनक मानदेय के साथ नहीं बढ़ाई जाएगी और 40 महीने का 125,000 शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय एक मुश्त तत्काल भुगतान नहीं होगा, तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे और किसी हद तक आंदोलन करेंगे, चाहे आत्मदाह करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर की पूर्व संध्या पर गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन के सभागार में राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण शिविर एवं शैक्षणिक कार्यशाला के अंतर्गत आयोजित विशेष व्याख्यान के दौरान CM एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग लोक कल्याण का माध्यम है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। भारत के लिए यह और भी गौरव का क्षण है। इस प्राचीन ऋषि प्रसाद के साथ दुनिया के 105 देश योग के साथ भारत की इस प्राचीन रसद को आत्मसात करते हुए दिखाई देंगे। मैं योग के माध्यम से एक नई खुशहाली है, एक नया पर देखने को मिले और आपका स्वयं का जीवन योग में हो, मैं इस बात की शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत में हर एक व्यक्ति ने योग को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। भारत के लिए योग शब्द कोई नया शब्द नहीं है, उसकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। कहीं पर योग कर्मसुकौशलम के नाम पर कर्म की कुशलता को ही योग माना गया हो,
के विरोध को योग माना गया हो या कहीं संयोग को योग को जीवात्मा परमात्माओं के रूप में जीवात्मा और परमात्मा के योग को ही योग के रूप में हमने एक परिभाषा के रूप में भले ही परिभाषित करने का प्रयास किया हो लेकिन सामान्य जीवन में अगर आप देखें तो योग का मतलब जीवन में संतुलन लाना जिस कला के माध्यम से जिस कृति के माध्यम से जिन मार्गों के माध्यम से और जिन कारणों से आपके जीवन में संतुलन आ जाए वह अपने आप में योग है। दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री बीते दिन गोरखपुर पहुंचे और अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया। आज दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम ने जनता दरबार लगाया जहां पर सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। सुबह से ही गोरखनाथ मंदिर परिसर में फरियादियों का तांता लगना शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने फरियादियों को कतारबद्ध कर दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में एक तरफ जहां जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुन रहे थे वहीं दूसरी ओर अनुदेशक संघ ने बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोगों को मंदिर प्रांगण से बाहर का रास्ता दिखाने में पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा। नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बीते दिन अनुदेशकों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। आज अनुदेशकों ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि मुख्यमंत्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनता दरबार में लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे थे। अनुदेशक मुख्यमंत्री से बढ़े हुए मानदेय 17,000 रुपए के भुगतान की मांग कर रहे हैं। परिषदीय अनुदेशक संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अनुदेशक सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए थे। वे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे मगर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह एवं अन्य कई अनुदेशकों को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर के बशारतपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय को जीडीए द्वारा ध्वस्त कराए जाने के मामले की जांच कराए जाने की मांग को लेकर आज भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आंदोलन शुरू किया। आंदोलनरत लोगों का कहना है कि बाबा साहब के नाम पर स्थापित डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल 40 वर्षों से स्थायी मान्यता पर विद्यालय संचालित थे लेकिन जीडीए द्वारा विगत 31 मई को विद्यालय भवन को ध्वस्त करा दिया गया जिससे इसमें पढ़ रहे दलित और कमजोर वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। योगी मोदी हाय 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 योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक विद्यालय बसारतपुर में था जिसको जीडीए ने बिना कुछ नोटिस सूचना दिए ही उसको चारों तरफ से तीन तरफ से जो दीवार था चार दीवारी उसको गिरा दिया और पूरा जो है चार पांच जो बिल्डिंग था उसको गिरा दिया। शौचालय 8 था उसको गिरा दिया और कोई सूचना नहीं दिया। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जो प्रशासन है जीडीए है वो बिना समझे बूझे इस काम को किया है उसके लिए पहले हम लोग FIR के लिए शाहपुर थाने में दिए कि FIR किया जाए और जिन लोगों ने बिना जाने बूझे बिना नंबर को तस्दीक किए जो बिल्डिंग गिराया है उसकी क्षतिपूर्ति किया जाए। इसलिए हम लोग आज जो है प्रतीकात्मक यहाँ पर अभी हम लोग धरना दे रहे हैं उसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर हम लोग रेल रोड जा सभी जाम करने का आज निर्णय लेंगे और टाइम दिया गया है 15 दिन का। यदि जीडीए ने 15 दिन के अंदर इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं किया क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं किया तो हम लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं जो यहां का जिला प्रशासन साथ सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में JCI गोरखपुर मिड टाउन एवं मूवमेंट के संयुक्त तत्वाधान में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को लगाया गया। पूर्वांचल के शान के प्रतीक के रूप में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फहराया। मुख्यमंत्री के झंडा फहराते ही राष्ट्रीय गान की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण देश प्रेममय हो गया।
वहां पर उपस्थित सभी लोग देश प्रेम में गोता लगाते दिखे। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने की। समारोह में जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन के अध्यक्ष जेसी विनीत पोद्दार एवं नाइन फाउंडेशन के संस्थापक कृष्ण कुमार तुलस्यान, जनसंपर्क अधिकारी नवीन पांडेवाल, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। वंदे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। देवरिया जनपद के मदनपुर थाने का करायल शुक्ल गांव, जहां कुछ दिनों पूर्व एक युवक का शव मिला। परिजनों ने गांव के ही तीन युवकों के नाम से नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से इस केस की विवेचना की। जो मामला सामने आया वह चौंकाने वाला था। मृतक परमिंदर का मित्र बल्लू था, जिसका अवैध संबंध गांव की ही एक लड़की शीशम के साथ था। शीशम की शादी हो गई तो बल्लू से उसका संबंध खत्म हो गया, लेकिन मृतक परमिंदर जानता था कि बल्लू का संबंध शीशम से है। शीशम की दुकान परमिंदर के दुकान के बगल में थी। शीशम जब ससुराल से वापस आई तो परमिंदर से बातचीत होने लगी। इसी बीच दोनों में संबंध भी हो गया। बल्लू ने शीशम को ब्लैकमेल भी किया। वहां परिजनों ने बाइक के आधार पर पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस की तत्परता से आज कुछ निर्दोष बच गए और असली आरोपी पकड़े गए। इस बाबत आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूलते हुए स्वीकार किया कि हमारे भाई और उनके दोस्त ने मिलकर परमिंदर को हमसे सिमरा पुल पर बुलवाया, जहां उनकी हत्या कर दी गई। शादी के पहले बुल्लू से बात करती थी, उसके बाद मेरा शादी हो गया तो मैं परमिंदर से बात करने लगी, तो बुल्लू और बुल्लू के एक दोस्त सोनू नाम के लड़के दोनों चिढ़ते थे कि तुम परमिंदर से बात करती हो। वो लोग हमको धमकी दिए कि अगर तुम बात करोगे तो तुमको भी मारेंगे और तुम्हारे पति से भी कहेंगे। तो मेरे 5 मार्च को भाई की शादी हुई, शादी में आया मेरा पति तो मेरे पति से भी बोल दिए कि परमिंदर से बात करती है। तो मेरे पति भी रोज़ रोज़ झगड़ा करते थे, मारते उड़ते थे। उसके बाद मैं परमिंदर से फिर भी बात करती थी सर। उसके बाद सोनू और बुल्लू दोनों ने मेरे भाई से कहा कि अपने बहन से कह दो, अगर नहीं मान रहा है साला तो उसको कह दो कि फोन करके वो किसी तरह इसको बुलवाए सिमरौना पुल पे, हम साले का हाथ पैर तोड़ देंगे तो वो बात करना छोड़ देगा। उसके बाद सर हम उससे बात करते रहे तो मेरा भाई ने मुझे बताया कि अरे 14 तारीख को हम फोन किए तो मेरे भाई ने बताया कि तुम परमिंदर को सिमरौना पुल पे बुला। किस चीज़ से मारे थे सर? हम तो सिलीगुड़ी थे, मगर वो अरे लास्ट कल जब उससे बात हुआ तो वो चिल्ला रहा था कि शीशम कहाँ बुलवा दी हमको। इस बाबत अधीक्षक ने मामले से पर्दा उठाते हुए कहा कि परमिंदर का शव नदी में मिला था। पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि उसकी हत्या हुई थी। घटना स्थल से एक बाइक भी बरामद हुई थी, जिसके आधार पर परिजनों ने उन पर मुकदमा दर्ज करवाया था। ये पूरा मामला प्री प्लानिंग के तहत था, जिसका आज हमने खुलासा किया है। ये परमिंदर का डेड बॉडी नहर में मिला था, नदी में मिला था, और पोस्टमार्टम के दौरान पता चला ये मर्डर हुआ है। उसके बाद FIR लिखी गई और उसके साथ उसके पास एक बाइक भी मिला था, जिसका नामजद मुकदमा लिखा गया था, जिसका बाइक के ओनर के ऊपर। पर पुलिस को पूरा यकीन था कि वो जिसने बाइक दिया वो इनोसेंट है। पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया था। बहुत दबाव था SO के ऊपर, CO के ऊपर, हमारे ऊपर कि उन्हीं के ऊपर खोल दिया जाए, पर विवेचना के दौरान ही पता चला ये स्नेही का मामला है और शीशम नाम की लड़की से इसका अवैध संबंध था। अब वो यहाँ के रहने वाली नहीं थी, वो वेस्ट बंगाल में रहती थी। उसी ने इसको फ़ोन करके बुलाया पुल पे। जब ये पुल पे आया तो इनके शीशम नाम का लड़की का जो भाई है सोनू वगैरह, इन्होंने इनको मारा पीटा। उसके बाद मर्डर करने के बाद नहर में नदी में फेंक दिया। तो इसका खुलासा आज हुआ है और ये
बहुत ही अच्छा विवेचना हुआ ब्लाइंड वर्ल्ड। आज के अंक में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CN24।